CID 2 का प्रोमो जब से रिलीज हुआ है फैंस बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम CID की डिटेल्ड रिपोर्ट देखने वाले हैं एंड जो कुछ भी आप CID के सीजन 2 के बारे में जानना चाहते हैं इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और CID वगैरह में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को खींचूंगा नहीं, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस CID इतने लंबे गैप के बाद हमारे TV पे रिटर्न करने जा रहा है, आखिर ये पॉसिबल हुआ कैसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस ये पॉसिबल बेसिकली इस करके हो पाया है बिकॉज Sony TV जो कंप्लीट नेटवर्क है, पूरा जो चैनल है, ये रिवैम्प होने जा रहा है। रिवैम्प से मेरा मतलब है कम्प्लीटली इन्होंने अपने पुराने शोज़ को ऑफ एयर कर दिया है, बंद कर दिया है एंड टोटली नए शोज़ को लेकर आने वाले हैं। CID अकेला ऐसा शो नहीं है जो कि वापस आ रहा है, बड़े शोज़ जैसे कि अदालत और आहट और भी काफ़ी TV सीरियल्स हैं जो कि Sony TV वाले वापस लेकर आने वाले हैं। एंड इसके पीछे का जो रीज़न है वो मेन ये रहा है कि Sony TV के अभी के जो सीरियल्स चल रहे थे उनके नए वाले बहुत ज़्यादा फ्लॉप थे गाइज, 0.1 या फिर 0.2 की TRP रेटिंग रेगुलरली लेकर आ रहे थे, मेन टाइम स्लॉट्स पर भी, बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ भी, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ भी। Sony TV बहुत बुरी तरह डूब जाता अगर इस तरह से और उन्हीं शोज को कंटिन्यू करता रहता। ये जो मूव चली है Sony TV ने वो इस करके चली है बिकॉज Sony TV वालों को नई लीडरशिप मिली है। कहने का मतलब ये है Sony TV के नए बॉसेस आए हैं एंड जो नए बॉस हैं वो स्टारडस्ट के पुराने हेड रह चुके हैं, गौरव बैनर्जी हैं, जो उनका ये फैसला रहा है कि Sony TV को रिवैम्प करना सही रहेगा, पुराने आइकॉनिक शोज़ को वापस लेकर आना बहुत ज़्यादा सही रहेगा। एंड ये मेन उनका एम है कि Sony TV की TRP रेटिंग जो है उससे बढ़ सके ताकि CID और अदालत जैसे बड़े शोज से Sony TV को फिर से लोग देखना स्टार्ट कर दें। तो गाइस CID का जो रीलॉन्च हमें देखने को मिलने वाला है, ऑफकोर्स हमें तीन जो कैरेक्टर्स हैं मेन वाले देखने को मिलेंगे ही, दया, अभिजीत, ACP प्रद्युमन, ये होने ही वाले हैं इस शो में। तो गाइस इस शो के बारे में कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करें तो अभी के लिए शो का जो शूट है वो बिगेन नहीं हुआ है, अभी के लिए सिर्फ प्रोमो शूट किया गया है लेकिन एपिसोड्स की शूटिंग अभी स्टार्ट नहीं करी गई है। शो का जो शूट है वो मुंबई में करा जाएगा एंड अभी नवंबर 2024 में ही इसका शूट स्टार्ट हो जाएगा। CID के शूट की स्टार्टिंग 15 नवंबर जो डेट है इसके आसपास करी जाएगी एंड इसी के बाद जो एपिसोड्स का शूट है प्रॉपर वाला वो स्टार्ट किया जाने वाला है, जैसा कि आपको बताया 15 नवंबर के आसपास हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये रिलीज़ का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये टेलीकास्ट वाली डेट नहीं है, ये तो मैं सिर्फ शूटिंग के स्टार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हम बात करें रिलीज़ हमें कब देखने को मिलेगा, तो गाइस रिलीज़ ये क्रिसमस या फिर न्यू ईयर के अराउंड देखने को मिलेगा। क्रिसमस होती है 25 दिसंबर और न्यू ईयर होता है ऑफकोर्स 1 जैन। तो गाइस 25 दिसंबर और 1 जैन ये जो दो डेट्स हैं मेकर्स कंसिडर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह का माहौल हो जो कि एक फ्रेश सा माहौल होता है क्रिसमस न्यू ईयर के अराउंड, और इसी टाइप के माहौल में वो CID के नए सीजन की शुरुआत करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो उससे भी लाइन अप करता है कि Sony TV का जो रिवैम्प है कुछ टाइम पहले आपको बताया था पोस्टपोन करके जनवरी 2025 में कर दिया गया है एंड उस टाइम के साथ भी ये लाइन अप मैच कर रहा है, जहाँ पे उस टाइम तक Sony TV के और भी पॉपुलर TV सीरियल्स हैं जो कि रेडी हो चुके होंगे स्टार्ट करने के लिए। तो अकेले CID नहीं, इसके साथ और भी कई TV सीरियल्स होंगे जो कि 2025 जनवरी तक Sony TV रेडी रखेगा। ऑडियंस ने शो को इतने ज़्यादा लंबे समय तक प्यार दिया है एंड काफ़ी बार डिस्कशंस वगैरह हुए, मेकर्स ने कोशिश करी कि शो को वापस लेकर आया जाए लेकिन कभी भी शो को वापस लेकर नहीं आया गया पिछले 6 सालों में, लेकिन अब Sony TV के रीवैम्प न्यू लीडरशिप के कारण शो वापस आ पा रहा है। तो गाइस ये जो नया सीज़न हमें देखने को मिलेगा इसकी स्क्रिप्ट जो है वो अभी भी लिखी जा रही है, अभी के लिए ये चीज़ हमारे पास नोन नहीं है कि जो राइटर्स रहेंगे, जो डायरेक्टर्स रहेंगे, क्या वो सेम होंगे जो कि पुराने सीजन्स को लिखे हैं या फिर डायरेक्ट करें, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि इस बार की जो प्रोडक्शन हाउस है वो सेम नहीं रहने वाली। जो प्रोडक्शन हाउस है वो पिछली बार थी फायरवर्क्स प्रोडक्शन, लेकिन इस बार की जो प्रोडक्शन है वो है बनीजे एशिया वो प्रोडक्शन हाउस है जो कि कपिल शर्मा शो Sony TV पे जो कि आता था उसको प्रोड्यूस कर चुके हैं, कई सारे और भी तरह के Sony TV पे नहीं लेकिन बाकी के OTT प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जिसको बनीजे एशिया संभाल चुकी है। लेकिन ये तो पैसे लगाने वाली बात है, बट मेन चीज़ ये है कि क्रिएटिव जो राइटर डायरेक्टर होंगे वो भी बढ़िया होने चाहिए। एज ऑफ नाउ रिवील्ड नहीं है कि कौन से राइटर्स और कौन से डायरेक्टर्स हैं जो कि बनाएंगे।
और गाइज अब हम बात करें किस तरह की स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही है, तो गाइज़ इस बार का जो CID बनाया जाएगा वो पहले वाले सीज़न का जो एसेंस है वो मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रख रहे हैं कि हमारी जो नई ऑडियंस है, जो मॉडर्न ऑडियंस है, वो इवॉल्व हो चुकी है, वो पुराने समय वाली नहीं रही। तो उसी के साथ साथ हमें जो केसेस देखने को मिलेंगे वो बहुत नए नए टाइप्स के देखने को मिला करेंगे, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आजकल आ चुकी हैं। पिछले 6 साल में काफ़ी कुछ इवॉल्व हो चुका है, एंड वैसे ही हमें आज के युग में AI काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, AI काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहा है। कुछ कुछ स्क्रिप्ट में इस तरह के कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिलेंगे जहाँ पे टेक्नोलॉजी या फिर AI या फिर फ़ोन वगैरह पे जो स्कैम होते हैं, तो इस तरह की जो मॉडर्न कुछ स्कैम्स वगैरह होते हैं, क्राइम्स वगैरह होते हैं, सोशल मीडिया क्राइम्स होते हैं, यू नो साइबर क्राइम्स वगैरह, वो सब भी एक्सप्लोर होते हुए हमें देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि जो नई ऑडियंस का किस तरह का टेस्ट है, किस तरह की प्रेफरेंस है, वो सब भी वो यूज़ करेंगे, एंड कुछ कुछ नए तरह जिस तरह से वो केसेस सॉल्व कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के ही यूज़ से किस तरह से वो केसेस सॉल्व कर सकते हैं, वो सब भी दिखाया जाएगा इस बार के ये नए सीज़न में। तो गाइस 20 साल तक ये शो चला था और 1500 से ज़्यादा इसने एपिसोड्स कंप्लीट किए थे। अनडाउटेडली हमारे इंडिया के सबसे ज़्यादा आइकॉनिक, सबसे ज़्यादा पॉपुलर शोज़ में से ये एक रहा है, तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। अब एक और काफ़ी बड़ा इशू है लोगों का, और इशू नहीं मैं कहूँगा डाउट है, और वो ये है कास्ट को लेकर। कास्ट में से हम ये तो जानते हैं कि ओरिजिनल 3 वाले लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके अलावा क्या बाकी की भी सारी कास्ट वापस आएगी या फिर नहीं? तो गाइस इस पे जो अपडेट है वो ये है कि CID के जो मेकर्स हैं, जो भी इनको बना रहे हैं, उनका एम ये है कि पुरानी कास्ट में से ज़्यादातर लोग जितने हो सके वो वापस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई सारे लोग हैं जो कि आपको ओरिजिनल कास्ट में से पहले सीजन में से देखने को मिलेंगे, लेकिन कई नई एडिशंस भी हमें देखने को मिलेंगी CID की टीम में। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ वही लोग रहेंगे, कुछ नए लोग भी होंगे जिनको आपने पुराने सीजन में देखा ही नहीं होगा, यानी कि इंटायरली न्यू करेक्टर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और वैसे कोई नई चीज़ तो है नहीं, बिकॉज CID के पुराने एपिसोड्स में भी कई बार बीच में कोई ना कोई नया बंदा एंटर होता रहता था उनकी इस टीम में, एंड वैसे ही हमें नए सीजन में भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि शिवाजी सत्तम, आदित्य श्रीवास्तव, दयानंद शेट्टी, ये जो ओरिजिनल ट्रियो है, ये तो वापस आ रहे हैं, एंड ज़्यादातर लोग इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। बट मेन पॉइंट एक ये भी है कि फ्रेडी का करेक्टर, अब वो एक्टर हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उनको मिस डेफिनेटली लोग करने जा रहे हैं। तो गाइस ये है CID का नया सीज़न, और ये है CID के बारे में जो भी आपने जानना चाहता था, एंड अब तक जो भी रिवील्ड है सब मैंने आपको बता दिया। शूट कब से स्टार्ट होगा, टेलीकास्ट कब होगा, किस तरह की स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं, कास्टिंग अपडेट, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में। और गाइस अब कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि CID के नए सीज़न के लिए आप क्यों एक्साइटेड हैं, और कौन सी चीज़ आप सबसे ज़्यादा देखने के लिए हाइप्ड हैं इस बार के सीज़न में। वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर देना, बिकॉज एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है, और शेयर भी ज़रूर कर देना CID 2 के सारे फैंस के साथ। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि CID से जुड़ी सारी मेजर अपडेट्स, सारे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आपने एक ही चीज़ करनी है, हमारे चैनल टेलीवुड अपडेट्स को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक डेफिनेटली पहुंचते रहें। और भी काफ़ी सारे शोज वापस आएंगे, उनकी डिटेल्स भी। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।